हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों आज मेरे पास आया एक iPhone 12। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा कि इस फ़ोन में दिक्कत है क्या, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कस्टमर ने हमें फ़ोन भेजा है महाराष्ट्र से, तो दोस्तों इस फ़ोन में जो दिक्कत है वो देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले खोल के चेक करते हैं, ठीक है। तो त्रियाज निकालते हैं दोस्तों, ये है iPhone 12। यहाँ पर देखिए कवर के साथ है, और दोस्तों इस फ़ोन को देखिए दिखाता हूँ यहाँ से। दोस्तों ये फ़ोन जो है ये बंद है, लेकिन ये फ़ोन जो बैंड हो गया है, देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा ये फ़ोन जो है कि बैंड है। तो दोस्तों गिरने की वजह से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बैंड हो गया, लेकिन टूटा नहीं है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से बैंड हो गया है कि इसमें मदरबोर्ड भी गर्म हो रहा है। तो दोस्तों देखिए ये फ़ोन जो है चालू है कम्प्लीटली, चार्जिंग के पास मैंने चालू कर लिया है, लेकिन इसमें हीटिंग का इशू भी आ रहा है ज़्यादा, और ये फ़ोन जो है कि बैंड भी है, ठीक है। दोस्तों मैंने फाइनली प्रॉपर फ़ोन चेक कर लिया है, सब कुछ एवरीथिंग ओके है इस फ़ोन के अंदर, ठीक है। लेकिन बस ये बैंड की जो इशू है, ये जो है कि ये ठीक करना है हमको। तो दोस्तों ये जो बैंड ज़्यादा हुआ है, ये अब ये सीधा होना तो मुमकिन मतलब मुश्किल ही है। तो दोस्तों ये अगर सीधा करेंगे की कोशिश भी करूँगा, लेकिन दोस्तों ये कहीं से भी प्रॉपर तरीके से सीधा नहीं होगा, हल्का फुल्का बैंड हो या तो ये और भी ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा। दोस्तों ये क्या है कि ज़्यादा अगर जोड़ दूंगा तो ये बैक ग्लास भी जो है कि डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों कस्टमर का कहना है कि हमें इसकी जो बैक हाउसिंग है वही रिप्लेस कर देनी है। तो दोस्तों कस्टमर ने कहा है कि इसे उसकी बैक हाउसिंग है वो जो है कि ब्लू कर देनी है। तो दोस्तों इसलिए हम उसको सीधा करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों कस्टमर को ब्लू रंग की ही हाउसिंग लगवानी है। तो दोस्तों सबसे पहले इस फ़ोन को खोलते हैं, ठीक है। दोस्तों फ़ोन को खोलने के लिए दोस्तों आपको नॉर्मली जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जो अच्छे वाले स्क्रू ड्राइवर लेने हैं, बाकी दोस्तों जो ये ब्लोर होता है, जो हेयर ड्राइवर वाला ब्लोर होता है, तो इससे आपको जो है कि अच्छे से हीटिंग जो होती है, हॉट गन, एयर गन ये सब कहते हैं इसको, तो हॉट गन से अच्छे से इसको गर्म करना है। तो दोस्तों इसे खोलने मेन काम से खोलने का होता है दोस्तों, खोल तो जब खुल जाएगा तो उसके बाद सब काम जो है कि ईजी हो जाता है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले इसमें ये फ़ोन की जो डिस्प्ले होती है यही मेन चीज़ होती है। दोस्तों डिस्प्ले जो है कि ये महंगा आता है, तो इसलिए आप इसको ज़रा थोड़ा संभाल के ही आराम से खोलना तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये जो डिस्प्ले है बहुत ज़्यादा पतली होती है, और ये पूरी की पूरी साइडों से कांच की होती है, कोई भी प्लास्टिक का कवर नहीं होता कि हमारा डैमेज से बचाएगा, ठीक है। दोस्तों जो इसकी ग्लू होती है, ये फर्स्ट टाइम खोलोगे ग्लू इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो आपको चालू फ़ोन में भी चेक कर सकते हो। दोस्तों क्या होता है बार बार आपको ऑन भी करके चेक कर सकते हो कि डिस्प्ले प्रॉपर ओके तो है। दोस्तों क्या होता है कि हम बिना देख बंद के करते हैं, तो हम जैसे मर्जी खोल देते हैं, तो डिस्प्ले में लाइनिंग आ सकती है, ब्लैक हो सकती है, इसलिए आप ऑन करके खोलना तो ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे कि हमें पता होता है कि हाँ डिस्प्ले प्रॉपर अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों अब हमने फ़ोन को जो है कि अब यहाँ से खोल लिया है, तो अब इसके जो स्क्रू वगैरह हैं सब कुछ मैं निकाल लूँगा। दोस्तों आपको बड़े आराम से इस फ़ोन को खोलना है। तो दोस्तों बोर्ड जो है कि आप निकाल के इस बोर्ड को सीधा तो करेंगे नहीं, बाकी इसी बैक हाउसिंग है वो हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस बैक हाउसिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दूंगा। जो मेन काम था आपको जो बताना कि ये प्रॉब्लम है, तो वो मैं इसकी सॉल्व कर दूंगा। बाकी दोस्तों मैं इसकी बॉडी को जो है कि फिटिंग के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे हमने इस बॉडी को जो अपने फ़ोन है वो रिपेयर कर दिया है, ठीक है। चलिए पहले इसको यहाँ से हम जो फ्लैक्स से निकालते हैं, ताकि हम मदरबोर्ड को जो इसका मदरबोर्ड वो बाहर निकाल सकें। दोस्तों ये शॉर्ट हो रहा है, यानी कि मदरबोर्ड जो है कि हाउसिंग में कहीं टच हो रहा है, जिसकी वजह से हीटिंग का इशू भी आ रहा है। तो चलिए इसके तो पहले हाउसिंग के ये कैमरे फ्लैक्स ही सब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये अब मदरबोर्ड जो है कि हमने इसका यहाँ से निकाल लिया है, तो इस तरीके से इसका मदरबोर्ड जो है कि बड़े आराम से निकालते हैं, ठीक है। सिंपल तरीके से जो है कि निकालना है, और ये हमने मदरबोर्ड निकाल दी। दोस्तों मदरबोर्ड भी हल्का सा बैंड हो गया है, लेकिन दोस्तों जो है कि प्रॉपर अच्छे से ये वर्क कर रहा है, ओके। दोस्तों हमें मदरबोर्ड छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा होता मत करना वरना ये बेकार हो जाएगा, इसलिए हम एज इट इज ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी बैक हाउसिंग है वो करेंगे रिप्लेस। दोस्तों हम जो उसकी हाउसिंग है वो ब्लू टाइप में करेंगे। Thank you.
दोस्तों देखिए फाइनली मैंने इस फ़ोन की जो हाउजिंग है वो कर दी है फिक्स। दोस्तों देखिए कहीं से भी कोई भी स्क्रू वगैरह कोई चीज़ कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। तो प्रॉपर दोस्तों हमने अच्छे तरीके से देखी, कंडीशन देख लीजिए, अंदर से बिल्कुल ही साफ है, कहीं से कोई नटिंग नट मिसिंग नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ओके है। चलिए दोस्तों डिस्प्ले को ऑफ कर देता हूँ इसमें फिक्स, फिर फ़ोन को चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, बैक हाउजिंग में जो है काफ़ी टाइम लग गया था इसलिए वीडियो में दिखाना बेकार है। मैंने आपको मेन जो काम था वो बता दिया है कि क्या दिक्कत थी, कैसी थी, क्या था, मैंने बस बाकी जो काम के बाद का भी दिखा दिया आपको। ठीक है चलिए, इसका पहले फैक्स आईडी का पत्ता, स्पीकर पत्ता होता है वो भी लगा देते हैं, बाकी इसका जो एक बैटरी चिप है वो भी लगा देते हैं। ओके तो दोस्तों फाइनली सारा हो चुका है, तो चलिए पहले मैं इसको एक बार ऑन करके चेक करता हूँ। ठीक है कि दोस्तों आप बॉडी के बाद पहले एक बार अच्छे से फ़ोन को चेक कर लेना ताकि पूरा फ़ोन वर्किंग है कि नहीं। तो चलिए इसका फ़ोन चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों फ़ोन प्रॉपर चालू है, ओके है, तो यहाँ से अपना पूरा फ़ोन जो है कि टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है तो दोस्तों फ़ोन तो टेस्ट मैंने कर लिया सारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करना, तो उसमें वाटर रजिस्टिंग एडिसिव टेप होती है वो मैं इसमें लगा दूंगा, लगाने के बाद फिर इस फ़ोन को जो है कि अच्छे से पैक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों फाइनली सारा फ़ोन मैंने जो है कि अच्छे से ओके चेक कर दिया है, कहीं से कोई भी प्रॉब्लम इस फ़ोन के अंदर नहीं है, और हीटिंग का इशू जो है वो भी दोस्तों अभी हल्का फुल्का है लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ओके तो चलिए अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों ये था ये बॉडी जो थी इसकी, ये है इसकी बैक हाउजिंग जो पहले वाली थी, ब्लैक वाली बैक हाउजिंग। ठीक है तो दोस्तों इस तरीके से थी वो। बाकी दोस्तों चलिए अब मैं इसमें जो है कि वाटर एडिसिव टेप होती है, चलिए वो मैं इसमें करता हूँ फिक्स। तो यहाँ से देखो दोस्तों कर दी है। ओके दोस्तों वाटर एडिसिव टेप होती है वो भी अब मैंने लगा दी है। प्रॉपर फ़ोन की कंडीशन आप देख लीजिए, बिल्कुल ही साफ है, कहीं से कोई नट मिसिंग नहीं है, जैसा था वैसा ही है। ठीक है तो दोस्तों चलिए अब इसकी जो डिस्प्ले है वो मैं पहले इसमें कर देता हूँ फिक्स। अब प्लेटें वगैरह, तो भी प्लेटें होती हैं सारी, वो प्लेटें भी इसमें दोस्तों कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है यहाँ से ऐसे फिक्स कर देते हैं। ओके दोस्तों देखिए यहाँ प्लेटें मैंने सारी लगा दी है, नट लगा दिए हैं, अब यहाँ से फ़ोन जो है कि प्रॉपर अच्छे से ओके हो चुका है। थोड़ा यहाँ से देखिए कि थोड़ा देखिए बिल्कुल ही ऑन कर देता हूँ। ओके दोस्तों देखिए यहाँ से फ़ोन चालू है और अच्छे से है, अब थोड़ा सा इस पर क्लीनिंग कर दूंगा। ओके दोस्तों यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा साफ सुफ कर देंगे, जो भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह होगी अच्छे से वो कर देंगे साफ। तो दोस्तों कर दिया है, ठीक है तो यहाँ थोड़ा सा अंदर देखते हैं, डस्ट ना रहेगी, यहाँ कपड़ा डिस्प्ले के ऊपर मार देते हैं हल्का फुल्का। ठीक है तो दोस्तों फाइनल देखिए दोस्तों बिल्कुल ही साफ कंडीशन का फ़ोन हो चुका है जैसे पहले था। तो अब इसको कर देंगे दोस्तों हम फिक्स, तो यहाँ से इसको दबा के जो है कि फिक्स कर देते हैं। दोस्तों डिस्प्ले जो है कि बड़े आराम से प्यार से बैठ जाती है, कोई भी इशू नहीं आता। ओके तो दोस्तों देखिए इस तरीके से मैंने फ़ोन की जो डिस्प्ले हाउजिंग है वो कर दी है रिप्लेस, जो ब्लैक थी जो बैंड थी वो मैंने अप कर दी है ब्लू टाइप में। तो दोस्तों अब फ़ोन जो है कुछ नए तरीके का लगेगा, तो यहाँ से अच्छे से दोस्तों दबा देंगे ताकि डिस्प्ले जो है कि वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है तो यहाँ से देखिए दोस्तों कहीं से भी कोई दबाव नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ से नट जो होते हैं नीचे वाले वो लगा देंगे, तो हमारा काम जो है फाइनली अब हमारा हो चुका है। ओके तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आईफोन 12 की जो प्रॉब्लम थी, बैक हाउजिंग जो बैंड थी, उसको जो है कि सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है तो दोस्तों इस तरीके देखिए बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन की, ये जो कंडीशन है बिल्कुल ब्रांड न्यू उसकी हो चुकी है। ओके तो दोस्तों ये देखिए ये थी इसकी बैक हाउजिंग जो बैंड थी, अब थोड़ा कुछ नया लुक में फ़ोन हमारा बन चुका है। ओके तो दोस्तों इस तरीके से हमने बैक हाउजिंग को रिप्लेस किया और आपको दिखाया कैसे हमने किया है। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।